उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर नगर क्षेत्र दिनेशपुर बाजार में चौराहे के पास पानी की टंकी का पाइप लीक होने के कारण व्यापारिक परेशान। पिछले एक महीने से नगर पंचायत प्रशासन से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। विभागीय अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य चौराहे सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर टंकी की पाइपलाइन लीक हो गई, जो पिछले कई महीनों से दुकानदारों की दुकानों में पानी भरा जा रहा है। कई बार लिखित में शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। व्यापारी बहुत परेशान है। हमने भी इस मुद्दे पर नगर पंचायत प्रशासन से बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये पिछले दो महीने से यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, पानी निकल रहा है। इस प्रॉब्लम को हम कई बार कह चुके हैं प्रशासन से, पर इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कृपा करके ये गड्ढा सही करवाओ, नहीं तो बहुत खतरे का निशान है। थैंक यू। बाकी मच्छर भी आता क्या? मच्छर वगैरह कुछ नहीं आता, बस में दिक्कत बहुत है। पानी सारा दिन लीक होता रहता है, खतरे का भी है। इसमें गड्ढा धसी जा रही है जमीन, इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। थैंक यू। अधिकारी को जिम्मेदारी सूचना दी आपने? हमने एक दो बार सूचना दे दी है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं, क्या नाम आपका? मेरा नरेश है, चिमनिंग वर्क गिरेशपुर। हमें बहुत परेशानी हो रही है, इतना पानी आ रहा है कि हम दुखी आ गए हैं। यहाँ दिनेशपुर में जब से बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आ रही है, इसको जो है पानी को बंद कर रही है। मतलब दुकान में हमने पानी कट रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। इतनी दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है। पानी कहाँ से परेशान आ गए, चौराहे से लीकेज कर रहा है। अच्छा, लीकेज कर रहा है। हाँ, अधिकारी को सूचना दी आपने? अधिकारी को सूचना दी थी, कई बार अधिकारी आए भी, उन्होंने जो है इनको देखा भी, लेकिन उनसे नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ नहीं करवा रहे? नहीं, कुछ कर पा रहे। क्या नाम आपका? बालाजी हार्डवेयर स्टोर दोनों कट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।